कश्मीर घाटी में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप का एक वीडियो सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि ये वीडियो दक्षिण कश्मीर के जंगलों में मौजूद टेरर कैंप का है। इस वीडियो में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी नसीर पंडित तीन आतंकियों को फायरिंग की ट्रेनिंग देता दिख रहा है, जो कि कुछ दिनों पहले ही सुरक्षा बलों के हाथों मारा जा चुका है। इस वीडियो में हिजबुल के आतंकी सेना के वर्दी में दिख रहे हैं और इस वीडियो के सामने आने से सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के आका अब कश्मीर में ही भारत के खिलाफ आतंकी तैयार कर रहे हैं और इसके लिए कश्मीर के युवाओं को बहला फुसला कर आतंकी बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं उसी ट्रेनिंग का, और इस पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी खालिद हुसैन, इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद, पीओके में कई आतंकी कैंप्स हैं जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकी तैयार किए जाते हैं, ये रिपोर्ट्स हम लगातार दिखाते रहे हैं, बात करते रहे हैं, लेकिन कश्मीर में ही इस तरह के ये ट्रेनिंग कैंप अगर चल रहे हैं तो कितनी बड़ी चिंता का ये विषय और सुरक्षा बलों में कितना बड़ा हड़कंप? निसंदेही ये बड़ी चुनौती भी है और चिंता भी है, क्योंकि हमने जब से देखा है कि एलओसी के जो ग्रिड है का जो इंफिल्ट्रेशन को रोकने में लोग बहुत टाइट हुआ है, और अब एलओसी क्रॉस करना एक मिलिटेंट के लिए बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि असंभव कार्य सा लगता है, क्योंकि जो इंफिल्ट्रेशन ग्रिड है वो सेना का बहुत टाइट हुआ है। और उसके बाद से एक ऑल्टरनेटिव ये है कि जो मिलिटेंट्स यहाँ नए रिक्रूट होते हैं उनको यहीं पे ट्रेन किया जाए। और जो नसीर पंडित की अगर हम बात करें, जो कुछ समय पहले एक मुठभेड़ में मारा गया है, वो एक पुलिस कर्मचारी था जो मिलिटेंट रैंक्स में शामिल हुआ था, और निसंदेही वो ट्रेंड आदमी था और वो ट्रेनिंग देता हुआ दिख रहा है। यानी ऐसे ही ट्रेंड मिलिटेंट्स के द्वारा नए रिक्रूट्स को ट्रेन किया जाता है और कश्मीर के ऑर्चर्स या जंगल में ट्रेन किया जाता है। तो आतंकियों की ट्रेनिंग का ये वीडियो, और ऐसे में सुरक्षा बलों को बहुत ही मुस्तैद रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है।